बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, तवज्जो दीजिएगा कि ये चार बॉक्स हैं, इनमें हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू आनी है। ये वैल्यू प्लस ये करें तो इज इक्वल टू 8 है, इस वैल्यू से माइनस ये करें तो इज इक्वल टू, ये इक्वल है, 11 नहीं है, इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। और ये मल्टीप्लाई बाय ये करें तो हमारे पास 21 है, और इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो इज इक्वल टू 9 है। तो वैल्यूज रखने बैठ जाए तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर एक प्रोसीजर से करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट आना है। ठीक हो गया, लेट हम कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू ए है, यहाँ पे वैल्यू बी है, यहाँ पे वैल्यू सी है, और यहाँ पे वैल्यू डी है। ठीक हो गया, जरा इक्वेशंस बनवाइएगा। हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 बन गई इक्वेशन नंबर 1। बी माइनस डी इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, बी माइनस डी इज इक्वल टू 5 बन गई इक्वेशन नंबर 2। a multiply c is equal to 21 लिख सकते हैं, तो a multiply c is equal to 21 equation number 3 बन गई। और c multiply d is equal to 9 लिख सकते हैं, तो c cross d is equal to 9 ये equation number 4 आ गई। तो तवज्जो दीजिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ from equation 1 and 2। equation number 1 हमारे पास कौन सी है, a plus b is equal to 8 है, और equation number 2 हमारे पास कौन सी है, b minus d is equal to 5 है। देखें दोनों plus b हैं, cancel नहीं हो पाएंगे। कब कैंसिल हो गए, जब हम नीचे वाले इक्वेशंस के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, ए और प्लस का डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 क्या आ गया 3, इसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 1 2 को मैंने सॉल्व की तो इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से कोई चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी, इक्वेशन नंबर 3 में भी सी है, इक्वेशन नंबर 4 में भी सी है, दोनों की वैल्यू निकाल के सी को एलिमिनेट कर दें। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास कौन सी है, ए सी इज इक्वल टू 21। यहां से मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो 21 बाय क्या हो जाएगा, ए नीचे डिवाइड, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 21 बाय ए। यहां अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हमारे पास कौन सी है, सी डी इज इक्वल टू 9। यहां से भी सी की वैल्यू निकाले तो 9 बाय डी नीचे डिवाइड। थोड़ी सी तवज्जो दें, जब ये भी सी के बराबर है और ये भी सी के बराबर है, जब दोनों चीजें आपस में सेम डिजिट के इक्वल हैं, सेम सी के इक्वल हैं, सेम वेरिएबल के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं। देखें जब दो चीजें आपस में हैं, एक चीज का वेट भी 5 केजी है, दूसरी चीज का वेट भी क्या है, 5 केजी है, जब दोनों चीजों का वेट 5 केजी है तो हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरह जब ये भी सी के इक्वल है और ये भी सी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। कौन कौन, 21 बाय ए और 9 by d, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 21d is equal to 9a आ जाएगा। यहां से आप a की वैल्यू निकाल लें या d की वैल्यू निकाल लें, नो प्रॉब्लम, यहां से d की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 9a by 21 नीचे डिवाइड। इस d की वैल्यू को उठा के मैं पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5, तो पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 जरा लिखवाइएगा, a plus d, तो d की जगह d की वैल्यू 9a by 21 is equal to 3, इसका आप LCM लें तो 21 इसका LCM आ गया, 21 multiply by a 21a, 21 का टेबल 21 पे 1 time, 1 multiply by 9a तो 9a आ गया, प्लस करें ऊपर तो कितना हो गया 30a by 21 is equal to 3, इसको cross multiply करें तो 30a is equal to 21 multiply by 3 ये हो गया 63, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 63 by 30 नीचे डिवाइड, a is equal to हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 2s are 6, 3 1s are 3 और 3 10s are 30, 21 divided by 10 करें तो 2.1 a की हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए जब a की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a plus b is equal to 8 था फ्रॉम इक्वेशन 1, जब a plus b is equal to 8 था, a की वैल्यू 2.1 plus का b is equal to 8 आ गया, तो यहां से b की वैल्यू मैं निकालना चाहूं 2.1 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, देन b is equal to 8 minus 2.1 कर दें तो ये जनाब आपका बच जाएगा, आई थिंक 8.0 में से 2.1 निकाल दें तो यूं हो गया, और 7 minus 2 5 आ गया तो 5.9 आपकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तवज्जो दीजिएगा, हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखें तवज्जो दें, हमारे पास c is equal to 21 by a है, then c is equal to 21 by a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.1, तो 21 by 2.1 करें then c is equal to हमारे पास 10 आ जाएगा, c
सी इज इक्वल टू हमारे पास जी बिल्कुल 10 आ जाएगा। और हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, रह गई डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू निकाल लें। ए प्लस डी इज इक्वल टू 3 था, यहीं से निकाल लें। ए प्लस डी इज इक्वल टू 3 था तो ए की वैल्यू हमारे पास 2.1 आ गई। डी की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू 3 है तो डी यहीं पे रखें, 2.1 उस साइड पे जाके माइनस 2.1 डी इज इक्वल टू 3 माइनस कर दें 2.1 तो ये 9 आ गया और ये 0.9 डी की वैल्यू आ गई। जरा वेरीफाई करें, ए की वैल्यू 2.1 बी की वैल्यू 5.9 तो 2.1 प्लस 5.9 करें बिल्कुल हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है, वेरीफाई हो गया। बी की वैल्यू हमारे पास 5.9 है, डी की वैल्यू हमारे पास 0.9 है, 5.9 माइनस 0.9 करें हमारे पास 5 भी आ जाता है, यानी बी माइनस डी इज इक्वल टू 5, ये भी चीज भी वेरीफाई हो गई। अब सी मल्टीप्लाई बाय डी करें, सी की वैल्यू हमारे पास 10 है, डी की वैल्यू हमारे पास 0.9 है, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 करें हमारे पास 9 आता है, बिल्कुल ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई बाय सी करके देखिए क्या 21 भी आता है कि नहीं आता। ए की वैल्यू 2.1 और सी सी की वैल्यू 10, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 21 भी आ जाएगा। तो ये चारों चीजें हमारे पास वैल्यू आ गई और चारों की चारों वैल्यूज हमारे पास वेरीफाई भी हो गई। डिफरेंट वैल्यूज लें, यू बॉक्स बनाए, वैल्यूज रखें, साइन ये यूज करें, साइन कोई और यूज करें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, नए नए ट्रिक्स बनाएं और इस चीज को करें। उम्मीद है आप लोगों को इस ट्रिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नया ट्रिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।